नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कोई माने या न माने, अपना मानना है कि 2016 का वर्ष परफॉर्मेंस का साल है। मतलब केंद्र और नरेंद्र मोदी सरकार हो या राज्य सरकारों, सबको इस वर्ष खूब काम करना है। इस वर्ष जैसा जो काम होगा उससे 2019 के लोकसभा चुनाव तक की दिशा बनेगी। इस वर्ष कम ही चुनाव है, जो चुनाव है वे भाजपा और कांग्रेस की सेहत के लिए अधिक निर्णायक नहीं है, मगर इसके बाद के वर्ष में तो भाजपा और कांग्रेस के लिए जीवन मरण के विधानसभा चुनाव है। इसलिए 2016 में फुर्सत है, लोगों के बीच काम के जरिए अपनी साख धाक बनाने का मौका है। संभावना लिए हुए जितने भी नेता है उन्हें 2016 में अपनी छाप छोड़नी है। जैसे अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और राहुल गांधी, सबको अपनी पॉजिटिव इमेज निखारनी है, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के मुख्यमंत्रियों को भी 2016 में खूब काम करना है। भाजपा की सरकारों का परफॉर्मेंस 2016 में जैसा रहेगा उससे आगे की दिशा बनेगी। मोटे तौर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों ने अपनी प्राथमिकता के मुद्दे तय किए हुए हैं। ऐसे ही विपक्ष के नेताओं ने अपनी राजनीति का ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है। तभी ये बूझना मुश्किल नहीं है कि 2016 में राजनीति और राजकाज की दिशा क्या होगी। लाख टके का सवाल है कि 2015 का ट्रेंड क्या 2016 में नेतृत्व बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गैर भाजपाई ताकतों ने जो दशा दिशा अपनाई हुई है वह क्या बदल सकती है। राजनीति में टकराव बढ़ेगा या घटेगा। लीडरशिप के स्तर पर क्या कार्यशैली बदलेगी, आज इस पर चर्चा है। मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बीजेपी आगे होने वाले असेंबली इंतखाबात में वजीर आला का दावेदार पेश करके लड़ेगी। बताया जा रहा है कि पार्टी ने सभी सूबों में ऐसे चेहरों की तलाश शुरू कर दी है जिनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। दिल्ली और बिहार के इंतखाबात के तजुर्बे की बिना पर बीजेपी ने यह हिकमत अमली बनाई है। बीजेपी ने दिल्ली में बाहरी चेहरा प्रोजेक्ट किया था और बिहार में किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था, उसे इन दोनों का नुकसान हुआ। बहरहाल माहिरीन जराए का कहना है कि सबसे ज्यादा खींचतान मगरबी बंगाल को लेकर है। पार्टी के कुछ रहनुमा मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो को प्रोजेक्ट करने की हिमायत में हैं, तो कुछ रहनुमाओं को लग रहा है कि हाल में सूबे की खवातीन यूनिट की सदर बनाई गई रूपा गांगुली को प्रोजेक्ट किया जाए। असम में पार्टी ने सर्बानंद सोनेवाल को सदर बनाकर उन्हें आगे किया है, लेकिन कई रहनुमा कांग्रेस से आए हिमंता बिस्वा शर्मा की हिमायत में हैं। तमिलनाडु में पोन राधाकृष्णन ही बीजेपी का चेहरा होंगे। केरल में मुमकिन तौर से राम गोपाल दावेदार हैं, लेकिन नतेशन की वजह से शायद पार्टी यहां कोई चेहरा प्रोजेक्ट न करे। 2017 में जिन सूबों में इंतखाबात होने वाले हैं उनमें बीजेपी को ज्यादा मुश्किलात का सामना है। पंजाब छोड़कर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में उसके पास कई दावेदार हैं। उत्तराखंड में बुजुर्ग खंडूरी से लेकर निशंक और नए सदर अजय भट्ट तक की दावेदारी है, तो उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी से लेकर योगी आदित्यनाथ, महेश शर्मा जैसे कई दावेदार हैं। ऐवान बाला के 2 साल इंतखाबात में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं ने कोशिशें शुरू कर दी है। आम इंतखाबात नहीं लड़े या हार गए सीनियर रहनुमा 2 साल बाद किसी तरह से ऐवान में पहुंचने की कोशिश में हैं। बताया जा रहा है कि साबिक मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम इस बार ऐवान बाला जा सकते हैं। इन दिनों उन्होंने सरगर्मी भी बढ़ाई है। आदम बर्दाश्त की बहस से लेकर इक्तसादी और GST के मसले पर वो मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को 2 सीटें मिलेंगी जिसमें से 1 सीट बरम को मिलने की बहस है। हालांकि तमिलनाडु और कर्नाटक के जैसे रिश्ते हैं उसे देखते हुए ये मुश्किल नजर आ रहा है, फिर भी किसी और सूबे से उनके नाम पर गौर किया जा सकता है। इसी तरह गुज़िश्ता मर्तबा सेहत का हवाला देकर आम इंतखाबात से दूर रहे पार्टी के साबिक तर्जुमान मनीष तिवारी पंजाब से ऐवान बाला आना चाहते हैं। इस साल पंजाब से कांग्रेस के 3 रहनुमा अश्विनी कुमार, MS गिल और अंबिका सोनी रिटायर हो रहे हैं। इनमें से अश्विनी कुमार और गिल की सीट पर नया चेहरा आ सकता है। कांग्रेस के मजीद 2 जनरल सेक्रेटरी CP जोशी और डॉक्टर शकील अहमद के ऐवान बाला में जाने की बहस है। मुंतखब किए गए मेंबरान में से ऐवान बाला में भेजे गए पार्टी के सीनियर रहनुमा मणिशंकर अय्यर 20 साल रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए अभी कहीं से इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं।
बीजेपी के खिलाफ कौमी सतह पर अभी कोई महाज बनता नजर नहीं आ रहा है। इस अमल में शामिल रहनुमाओं का कहना है कि अभी इसमें वक्त लगेगा। सूबों के रहनुमा आइंदा साल के आखिर तक होने वाले 10 सूबों के असेंबली इंतखाबात तक इंतजार करने के मूड में हैं। कांग्रेस भी मौजूदा हालात में यूपीए की तौसी से हिचक रही है, क्योंकि अभी वो कमजोर विकेट पर है। उसके रहनुमा ताकत बढ़ने के बाद मफाहमत करने या महाज की तौसी करना चाहते हैं। बहरहाल गुज़िश्ता साल जनता परिवार के इंजमाम का अमल शुरू हुआ था, लेकिन अब वो ठप हो गया है। बिहार की जीत से आरजेडी और जेडीयू की उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश इंतखाबात से पहले महाज बनाने का फायदा नजर नहीं आ रहा है। जेडीएस और इनेलो ने भी इस अमल से दूरी बनाई है। ममता बनर्जी मुश्तरका महाज बनाना चाहती थी, लेकिन अब उनका सारा ध्यान अपने सूबे में इंतखाबात पर है। अगर वो दूसरी बार इंतखाबात जीतती हैं तो मुमकिन तौर से बीजेपी और बायां महाज दोनों की मुखालिफ महाज की रहनुमा के तौर पर उभरेंगी। कांग्रेस भी 10 सूबों के इंतखाबात तक इस मामले को टालना चाहती है। कांग्रेस रहनुमाओं को लग रहा है कि केरल और असम में पार्टी की इक्तदार में वापसी हो सकती है। उसके बाद पंजाब और उत्तराखंड को लेकर भी कांग्रेस में उम्मीदें हैं। दरअसल कांग्रेस और सभी इलाकाई एक दूसरे की ताकत तोड़ रहे हैं। अब आज की सुर्खियां, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। पठानकोट में एयरबेस के स्टेशन पर हुए जबरदस्त दहशतगर्दाना हमले के बारे में फौज के अफसरान ने आज एयरबेस पर मीडिया से बात की और दहशतगर्दाना हमले और उन्हें रोकने के लिए चल रही कार्रवाई के बारे में बताया। अफसरान ने बताया कि दहशतगर्द पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनका मकसद जंगजू तैयारों और हेलीकॉप्टर को उड़ाने का था। उन्होंने बताया कि दहशतगर्द बड़ी तादाद में असलाहों से लैस थे। हालांकि अब भी दहशतगर्दों की तलाश की मुहिम चल रही है। चूँकि पठानकोट एयरबेस काफी बड़ा है, इसलिए तलाश में वक्त लग रहा है। माना जा रहा है कि कम अज कम मजीद 2 दहशतगर्द अब भी एयरफोर्स स्टेशन में छिपे हुए हैं। उनके रिहायशी इलाके में होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हालांकि सिक्योरिटी दस्तों के खानदान के सभी लोग महफूज हैं। दहशतगर्दों को तलाशने में फौज, पुलिस और एनएसजी की मुश्तरका कार्रवाई चल रही है। अफसरान ने माना है कि मुठभेड़ खत्म होने में वक्त लगेगा और ऑपरेशन खत्म होने के बाद तफसीलात से ब्यौरा दिया जाएगा। इस हमले की शुरुआत हफ्ते को हुई थी। इस दहशतगर्दाना हमले में 7 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए हैं, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल हैं। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने पठानकोट एयरबेस पर हुए दहशतगर्दाना हमले की वजह से आइंदा हफ्ते का अपना चीन का दौरा रद्द कर दिया है। इस दौरे में हिंदो-चीन सरहदी तनाजे पर बातचीत होनी थी। दरअसल दोनों ममालिक के फौजियों के बीच तकरीबन 3,500 किलोमीटर लंबी सरहद पर झड़पें और चीनी फौजियों की तरफ से दरअंदाजी के वाकियात होते रहते हैं। हिंदुस्तान और चीन के बीच सरहदी तनाजे के हल के लिए अब तक 18 मरतबा बातचीत हो चुकी है। अदालत उज़्मा के साबिक चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी ने हिंदुस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कामकाज को शफाफ बनाने के मामले में अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। उन्होंने सिफारिश की है कि क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी शक्ल दे देनी चाहिए। हिंदुस्तान में अरसे से इसका मुतालबा होता रहा है और दुनिया के कई ममालिक में सट्टेबाजी कानूनी है। जस्टिस लोढ़ा ने अपनी रिपोर्ट अदालत उज़्मा को सौंपने के बाद उसे मंजर आम भी किया। इसमें उन्होंने एक अहम सिफारिश ये भी की है कि क्रिकेट का मैनेजमेंट खिलाड़ियों के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने BCCI को RTI के दायरे में लाने की सिफारिश भी की है। जस्टिस लोढ़ा ने IPL के COO सुंदर राजन को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने सभी सूबों में क्रिकेट एसोसिएशन रखने की सिफारिश की है और कहा है कि उसका एक मुकम्मल मेंबर होगा, जिसको BCCI में वोटिंग का हक होगा। जस्टिस लोढ़ा ने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट ही खिलाड़ियों का सिलेक्शन करे और खिलाड़ियों के मफाद का ध्यान रखा जाए। शुमाल मशरकी हिंदुस्तान के मणिपुर में हिंदो म्यांमार सरहद पर पीर के रोज करीब 4:30 बजे जलजले का तेज झटका महसूस किया गया। जलजले के इस झटके में 6 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 100 अफराद जख्मी हुए हैं। जलजले का झटका बिहार, मगरबी बंगाल समेत मशरकी हिंदुस्तान के कई सूबों में महसूस किया गया। जलजले का झटका 6.7 का बताया जा रहा है। जलजला जमीन से सिर्फ 55 किलोमीटर की गहराई में आया, जिसकी वजह से इसके काफी खतरनाक होने का अंदेशा है। जलजले का मरकज मणिपुर के तामेंगलांग जिले में था। हमसाया मुल्क बांग्लादेश में भी जलजले से 2 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 100 अफराद जख्मी होने की खबर है।
ایک شیعہ مذہبی پیشوا کو سعودی عرب میں پھانسی دیے جانے کی مخالفت میں مظاہرین کے تہران مقیم اس کے سفارت خانے پر حملہ کرنے کے بعد سعودی عرب نے ایران کے ساتھ اپنے سفارتی رشتے ختم کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عبیل الجبری نے یہ اطلاع دی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ سبھی ایرانی سفیر 48 گھنٹوں کے اندر سعودی عرب سے چلے جائیں۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ سفارتی رشتے ختم کر رہا ہے اور ایران کے سفارتی مشن کے سبھی ممبران سے 48 گھنٹوں کے اندر چلے جانے کی اپیل کر رہا ہے۔ لوگوں کی ایک بھیڑ نے سعودی عرب کے شیخ نمر النمر کو پھانسی کی مخالفت کے بیچ تہران میں سعودی سفارت خانے اور مشہد میں ہائی کمیشن پر حملہ کیا۔ فی الحال اب ایک بریک ہے، پھر خلاصہ ہوگا۔ بھارت راشٹر راجیہ کے فی الحال سوتردھار پردھان منتری نریندر مودی ہے۔ اس ناطے وہ نشچت ہی 2015 کی اپنی اپلبدھیوں اے سفلتاؤں کا لیکھا جوکھا کرتے ہوئے نئے ورش کا روڈ میپ بنا رہے ہوں گے۔ اس سال کیونکہ چناوی جنجال کم ہے، چناؤ میں ان کی پرتشٹھا کم داؤ پر لگے گی، اس لیے راج کاج بہتر بنانے کا موقع ہے۔ اس میں ان کی کئی پراتھمکتائیں ہوگی، اس پر آگے چرچا کریں۔ اس سے پہلے دیکھیں میرا یہ خلاصہ۔ نیا سال ملک کی سبھی پارٹیوں اور رہنماؤں کے لیے اپنی چھاپ چھوڑنے والا سال ہو سکتا ہے۔ مرکز کی نریندر مودی حکومت 2 سال پورے کرے گی تو عدد کے معاملے میں کمزور لیکن بے حد حملہور حزب اختلاف کے طور پر کانگریس بھی 2 سال پورے کرے گی۔ راہل گاندھی کو کانگریس کی کمان سونپے جانے کی بحث ہے تو بایاں محض جماعتوں کے لیے جینے مرنے کا انتخاب اس سال ہونا ہے۔ اگر کیرل اور مغربی بنگال میں بایاں محض پھر نہیں آ پاتا ہے تو اس کے وجود کے سامنے اب تک کا سب سے بڑا بحران کھڑا ہوگا۔ کانگریس کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، اس کے سامنے اسے بچانے کا بڑا چیلنج ہے۔ سب سے آسان اور آرام کی حالت میں بی جے پی ہے، جس کا ان انتخابات میں کچھ خاص داؤں پر نہیں لگا ہے۔ 5 صوبوں میں 850 اسمبلی سیٹوں پر انتخابات ہونے والے ہیں، جن میں سے بی جے پی کے صرف 6 رکنے اسمبلی ہیں، اس لیے یہ سال 2015 کے مقابلے الگ ہو سکتا ہے۔ بی جے پی کو تنظیم کے ناطے اور مرکزی حکومت کو کام کاج کے ناطے چھاپ چھوڑنی ہوگی، چونکہ انتخابات کا حلہ کم ہے اور جو ہے بھی وہ سال کے پہلے حصے میں ہی نپٹ جائے گا۔ اس لیے حکومت کو بنا کسی سیاست یا انتخابی مجبوری کے فیصلے کرنے کے لیے معقول حالات مل رہے ہیں۔ یہ موقع ہے کہ وزیر اعظم ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے کچھ بڑے فیصلے کریں۔ برسوں سے لٹکے اقتصادی اصلاحات سے جڑے معاملوں کو آگے بڑھایا جائے۔ انہیں یہ پیغام بھی دینا ہے کہ حکومت سب کو ساتھ لے کر کام کر رہی ہے۔ بجٹ کے ذریعے بھی حکومت کو ملک کے لوگوں کے بیچ فیل گڈ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ہر محاذ پر وزیر اعظم کو نئی پہل کرنی ہوگی۔ انہوں نے گزرے سال کے آخر میں پاکستان کے ساتھ بات چیت کا جو راستہ کھولا ہے، اس پر مشکلات کے باوجود چلتے رہنا ہوگا۔ دنیا کے کئی ممالک ہندوستان کے تئیں ہم آہنگی دکھا رہے ہیں تو اس کا فائدہ بھی اٹھانا ہوگا۔ ایٹمی توانائی، سیکیورٹی، بلٹ ٹرین اور بنیادی ڈھانچے سے جڑے ہوئے منصوبوں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ان منصوبوں میں دنیا کے ممالک سرمایہ کاری کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے یہاں پالیسیوں کو ٹھیک کیا جائے اور اصلاحات کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کے ذریعے ہی ترقی کی رفتار بڑھائی جا سکتی ہے اور روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اس کام میں حکومت کو حزب اختلاف کی مدد کی ضرورت ہوگی، چونکہ اس سال بھی ایوان بالا کی تصویر بدلنے والی نہیں ہے، وہاں حکومت اقلیت میں ہی رہے گی، اس لیے اسے حزب اختلاف کے ساتھ کام کا جی رشتہ بنانا ہی ہوگا۔ چونکہ بجٹ اجلاس کے پہلے حصے کے ساتھ ہی 5 صوبوں کے انتخابات بھی ختم ہو جائیں گے، اس لیے کانگریس کو بھی اپنی حملہور پوزیشننگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی اگر راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی حکومت کے ساتھ تعاون کریں تو کئی اہم فیصلے ہو سکتے ہیں۔ بجٹ اجلاس کے دوسرے حصے میں جی ایس ٹی کا بل پاس ہو سکتا ہے، لیکن سوال ہے کہ کانگریس کو حکومت کے بہتر مظاہرے میں کیوں تعاون کرنا چاہیے؟ کانگریس کے رہنما اس اصول پر کام کر رہے ہیں کہ حکومت کو ناکام کرنے سے اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر نریندر مودی اپنی ترقی والی شبی پر کھرا نہیں اترتے ہیں اور انتخابات میں کیے گئے وعدے پورے نہیں کرتے ہیں تو اس سے بی جے پی کو نقصان اور کانگریس کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے کانگریس تعاون کی بجائے اپوزیشن جماعت کے طور پر اپنے مظاہرے پر زیادہ دھیان دے گی۔ اب ایک بریک ہے، اس کے بعد 2016 کی سیاسی سمبھاوناؤں پر چرچا کریں گے۔ دو ہزار سولہ میں بھارت بدل سکتا ہے تو پٹری سے اترنے کے خطرے بھی ہے۔ دارومدار پردھان منتری نریندر مودی کی ریتی نیتی پر ہے، وہ راج کاج کی اپنی شیلی اور پراتھمکتاؤں میں کیسے کیا بدل سکتے ہیں،
उससे विपक्ष अपने को बदलेगा या ठस बना रहेगा। पक्ष विपक्ष के रिश्ते की गुत्थी 2016 की नंबर एक चुनौती है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, 2016 में भारत की राजनीति में आप कुछ बदलाव संभव मानती है? मतलब जो 2015 में जो ट्रेंड रहा, जो दशा दिशा रही, वही चलेगी या कुछ बदल की उम्मीद है आपको? देखिए, मुझे लगता है जहां तक भाजपा नरेंद्र मोदी का सवाल है, एक हल्का सा चिन्ह उस दिशा में दिख रहा है कि शायद मोदी 2014 के मोदी की तरफ वापस जा रहे हैं। 2015 का साल उनका नहीं रहा, जो कि भाजपा के हॉट हेड्स हैं, उन्होंने वो सारा डेवलपमेंट एजेंडा को डीरेल कर दिया और उसको कंट्रोल नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी। तो इम्प्रेशन वही गया कि भाजपा या बीफ बैन या और चीज़ इस तरह के मुद्दों को ही आगे कर रही है। मुझे लगता है जो पाकिस्तान से बातचीत शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने, वो एक इसका इशारा है कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट से दूर जाना चाहते हैं और पड़ोस में भी शांति चाहते हैं। इसका इफेक्ट कश्मीर में भी होगा, इसका इफेक्ट माइनॉरिटीज पे भी हो सकता है अगर उनके हॉट हेड्स अलाउ करेंगे तो। और शायद परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, ये फिर से मुद्दे सामने आएंगे। नहीं, नहीं तो विपक्ष, विपक्ष क्या उसके लिए होने देगा? क्योंकि असली मुद्दा तो ये है कि विपक्ष क्या वैसे काम करने देगा? विपक्ष के काम न करने देने के कारण ही तो ये डेडलॉक था, गतिरोध था। देखिए, विपक्ष से पहले मैं एक और चीज जो कहना चाहती हूँ, उसके साथ साथ जो विश्व हिंदू परिषद, जो संघ के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अयोध्या में मंदिर दोबारा बनने का मुद्दा फिर से ला रहे हैं सेंटर स्टेज। और जब तक वो इसलिए कि 2017 की उनकी चिंता है, उनकी तो 2017 की चिंता में 2016 में इनका एजेंडा ज्यादा आवी रहेगा या तो सरकार का? डेवलपमेंट का एजेंडा, अयोध्या का, इमोशनल इश्यूज का एजेंडा, इसमें कैसे नरेंद्र मोदी तालमेल बिठा पाते हैं, टाइट रोप वॉक कर पाते हैं, ये चुनौती होने वाली है उनकी। क्योंकि वो अयोध्या का मुद्दा उसको गौण नहीं करेंगे, वो जाहिर है कि चुनाव में सामने आएगा। जहां तक विपक्ष का सवाल है, जो चुनाव आ रहे हैं असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, इनमें भाजपा असम के अलावा भाजपा कहीं भी अच्छा करती दिखती नहीं है, तो वो फायदा नहीं होने वाला। फायदा रीजनल पार्टीज को ज्यादा होगा, हो सकता है कांग्रेस को थोड़ा बहुत हो। केरल तो मानेंगे कि चुनाव को लेकर इस साल में ज्यादा चकचक नहीं होगी, ज्यादा गवर्नेंस और विकास के मुद्दे या सरकार को लेकर ही ज्यादा। अगर बीजेपी को फिर से इनिशिएटिव नहीं मिलता चुनावी जीत के रूप में, तो फिर जो बाकी सब पार्टियां घेरेंगी और भी घेरेंगी। अभी तो केवल आसाम के अलावा तो बीजेपी को कोई ऐसा है नहीं मामला। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऑपोजिशन पार्टीज, उनमें जो एक तालमेल बैठा है कांग्रेस और रीजनल पार्टीज, आप अन्ना डीएम को छोड़ दीजिए, बाकी पार्टी जिनके चुनाव हो रहे हैं, वो घेरेंगी बीजेपी को, दो राय नहीं है। और जीएसटी पास होगा कि नहीं, वो इस पे जैसे को एक प्रेस्टीज नहीं, वही बना लेना। जो छत्रप है या कांग्रेस है या राहुल गांधी है और संसद के अंदर गतिरोध है, ये सब इसका समाधान, ये जो नरेंद्र मोदी के जो बाकी जो चीजें हैं उसके कारण वो समाधान निकलेगा या वो मुझे नहीं लगता वो समाधान नहीं मानती आप? क्यों मुझे नहीं लगता? अगर कुछ चीज मतलब कौन से मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिससे कि बजट फिर वापस, बजट का सत्र जो है डिरेल हो जाए, पास होगा? हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वहां पर हंगामा, लेकिन हंगामा होगा क्योंकि याद रखिए कि 5 चुनाव हैं आगे। तो अगर विंटर सेशन में इतना हल्ला गुल्ला हुआ और विंटर सेशन वॉश आउट हुआ, तो आबाजी सेशन तो और भी वॉश आउट होगा, जिस तरह से ऑपोजिशन का रवैया। अगर नरेंद्र मोदी किसी तरह गांधी परिवार को सही मायने में रीच आउट करके विनओवर कर ले, वो अलग चीज है, वो चमत्कार होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता नहीं उस तरह के चमत्कार की उम्मीद नहीं है कि पक्ष विपक्ष में तालमेल होकर गवर्नेंस आगे बढ़े, मुझे नहीं है। मुझे लगता है जो नाते आप राजनीतिक टकराव वाला ही वर्ष 2016 को मानती है, मुझे लगता है टकराव का ही वर्ष रहेगा, क्योंकि प्रेपरेशन रहेगी 17 के लिए, जो भाजपा
और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत अहम है। इस सब को कौन सा एजेंडा, कौन से मुद्दे तय करेंगे आपके अनुसार? ये विदेश नीति वाला मुद्दा होगा या गवर्नेंस विकास वाला मुद्दा होगा या दूसरे मुद्दे भी, भ्रष्टाचार और ये वाले भी मुद्दे हो सकते बेरोजगारी, आर्थिकी मुद्दे, मुद्दों में ज्यादा जोर किसका होता हुआ लगता है? देखिए, मुद्दों में इकोनॉमिक तो होना ही होना है। प्राइसेस का मुद्दा बढ़ेगा, अगर उसको नहीं काबू में करते तो बहुत ही वो होगा, अनरेस्ट पैदा होगा। लेकिन 2015 में जैसे असहिष्णुता का मुद्दा था वैसा मंदिर के चलते हुए वापस वही ज्यादा होगा या बाकी दूसरे मुद्दे उभर आए, मंदिर या भ्रष्टाचार का मुद्दा ज्यादा बढ़ सकता है? भाजपा की तरफ से भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है केसेस, कांग्रेस लीडर्स के खिलाफ केसेस और भी खुले भाजपा की तरफ से, इस तरह से इस दिशा में जाती दिखती है सब बात। और मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी का कंटिन्यू करेगा, पाकिस्तान के साथ आगे ले जाएंगे। विपक्ष के पास कुछ है कि भाई ग्रांड गैर भाजपा ही पूरा महागठबंधन बन जाए, ऐसा कुछ पकता हुआ लगता है? देखिए, उस तरफ तो बात बढ़ी रही है, कोशिश जारी है। और अगर ममता बनर्जी जीत जाती है, लेफ्ट का कांग्रेस के साथ हो जाता है और असम में AUDF, AGP और कांग्रेस इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ केरल में फ्रंट उनका जीत जाता है, मतलब ये कि भाजपा मुक्त और कांग्रेस मुक्त की जो 2015 में जो होड़ थी वो उस होड़ में और आगे धार हो सकती है, आ सकती है। वो उस तरफ तो रीजनल पार्टीज का साल होगा, ये और भी मजबूत होंगी रीजनल पार्टीज इस साल में, और सरकार के लिए और भी ज्यादा चुनौती होगी कि किस तरह से डिलीवरी करें जिसका असर आम जनता पर पड़े। निर्जय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter.com/nayaindianewspaper पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।